नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर हम आपके क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी का खुला पट, चौतरफा भक्ति से सराबोर हुआ दरभंगा, पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मिथिलांचल में परंपरा के अनुसार सप्तमी से ही महिलाओं ने मां भगवती की भरी खोंच, परिवार के लिए मांगी मंगल कामना, संध्या आरती के लिए श्रद्धालु पहुंचे पंडालों में। और सुरक्षा को लेकर दुर्गा पूजा के मद्देनजर विभिन्न पंडालों का निरीक्षण, एसएसपी के निर्देशन में पुलिस जवान के साथ रैपिड एक्शन फोर्स क्विक रिस्पॉन्स टीम साथ। उड़ी बाबा देखो तो कितना सुंदर दिखता है। अरे क्या दीदी जी, बाहर से देखिएगा कि अंदर वो बैठिएगा। करेक्ट, ट्रू फीलिंग तो भीतर से ही आता है। यहाँ तो गर्दन सीधी रहती है, ऊपर भी कितना जगह है। अरे टू मच है। और ये देखिए सीट वो कितना कम्फर्टेबल है। उड़ी बाबा ये गाड़ी तो बहुत तेज चल रहा है ना? क्योंकि लोगों के लिए पावर की बहुत जरूरत है। ताई तो बोली पावर टू पीपल। अरे अरे बाबा रास्ता देख के भाई, यहाँ तो मेरा बैलगाड़ियों नहीं चलेगा। चमत्कार, ये तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ फील नहीं हो रहा है। चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं बाबा, की बोल चु दीदी? हैं हैं छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। सकमापुर मिर्जापुर मेन रोड दरभंगा, कॉन्टैक्ट 7739674731765442112। और खबरें अब विस्तार से। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का खुल गया पट, पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चौतरफा भक्ति से सराबोर हुआ दरभंगा समेत प्रखंड का इलाका। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का खुल गया पट, पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चौतरफा भक्ति से सराबोर हुआ दरभंगा समेत प्रखंड का इलाका। ओए तेरे
प्रोडक्शन। Production. Production.
सीपी प्रोडक्शन। Production. Production. Thank you.
शहर के विभिन्न पूजा स्थलों की तस्वीर आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाताओं सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार ने। बीटीएन न्यूज। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना VIP रोड अलरपट्टी मोबाइल 0627224025725050408930893010 व्हाट्सएप नंबर 9262948578। कोटा स्तर की पढ़ाई अब दरभंगा में देश के प्रसिद्ध संस्थाओं में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ नंबर 1 इंस्टीट्यूट बाय इंजीनियर के सर आइडियल फिजिक्स आइडियल पास मेडिकल जेई 11th एंड 12th बोर्ड प्री फाउंडेशन आइडियल पास जूनियर 7th 8th 9th एंड 10th जूनियर क्लासेस से ही बोर्ड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करें। अप टू 40% स्कॉलरशिप नियर नाका 5 अपोजिट उमा सिनेमा फर्स्ट फ्लोर घोड़ा डिजाइनर दरभंगा मोबाइल 9308296082840983370। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी का खुला पट चौतरफा भक्ति से सराबोर हुआ दरभंगा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मिथिलांचल में परंपरा के अनुसार सप्तमी से ही महिलाओं ने मां भगवती की भरी खोज परिवार के लिए मांगी मंगल कामना संध्या आरती के लिए श्रद्धालु पहुंचे पंडालों में। और सुरक्षा को लेकर दुर्गा पूजा के मद्देनजर विभिन्न पंडालों का निरीक्षण SSP के निर्देशन में पुलिस जवान के साथ रैपिड एक्शन फोर्स क्विक रिस्पॉन्स टीम साथ। मिथिलांचल में परंपरा रही है खोइंच भरने की। विभिन्न पूजा पंडालों में महिलाओं ने शक्ति की अधिष्ठात्री मां भगवती को भरी खोइंच मांगी परिवार और बच्चों के लिए मंगल कामना। मिथिलांचल में परंपरा रही है खोइंच भरने की। विभिन्न पूजा पंडालों में सप्तमी के रोज मां का पट खुलते ही महिलाओं ने शक्ति की अधिष्ठात्री मां भगवती को भरी खोइंच मांगी परिवार और बच्चों के लिए मंगल कामना। I'm a
सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। महिलाओं और लड़कियों के साथ श्रद्धालुओं ने मां भगवती की संध्या आरती, उमड़ी पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। महिलाओं और लड़कियों के साथ श्रद्धालुओं ने की मां की संध्या आरती। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। दुर्गा पूजा समिति बेता की ओर से कलश शोभा यात्रा निकली। बेलतोड़ी बाद कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर वापस मंदिर परिसर पहुंची। षष्ठी के रोज कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है और उसके बाद मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए उक्त स्थल पर पहुंचती है, जहां बेल न्योती किया जाता है और उसके दूसरे रोज होकर के बेल तोड़ी होता है। बेता दुर्गा पूजा समिति की ओर से बेल तोड़ी बाद कलश शोभा यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंचा। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। दुर्गा पूजा के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के निर्देशन में पूजा पंडालों का निरीक्षण करने पुलिस लाइन लहरियासराय से काफी संख्या में पुलिस के जवान, रेपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पांस टीम के साथ
विभिन्न थाना अध्यक्ष सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं डीएसपी अनोज कुमार निकले। पूजा पंडालों में लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं पंडालों से भक्तों के आने जाने वाले रास्तों का भी निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के निर्देशन में पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण अभियान में पुलिस लाइन से काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पांस टीम के साथ विभिन्न थाना अध्यक्ष, सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं डीएसपी अनोज कुमार भी साथ थे। पूजा पंडालों में लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं पंडालों से भक्तों के आने जाने वाले रास्ते का भी निरीक्षण किया गया। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका आयकर चौक पर। अभी जो इस बिहार के अंदर जो भाजपा और जदयू की जो सरकार है, ये एम्स के घटना से संदेश देना चाहती है कि यदि तुम हमारे खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लोगों को शिक्षा देने में सब असफल रही है। तुम यदि बताओगे लोगों को कि ये सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में असफल रही है, तुम यदि ये सारी बातें हमारे खिलाफ करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। ये थे आप तक के समाचार। विद्यालय ऐप से इसे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी का खुला पट, चौतरफा भक्ति से सराबोर हुआ दरभंगा, पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मिथिलांचल में परंपरा के अनुसार सप्तमी से ही महिलाओं ने मां भगवती की भरी खोंच, परिवार के लिए मांगी मंगल कामना, संध्या आरती के लिए श्रद्धालु पहुंचे पंडालों में। और सुरक्षा को लेकर दुर्गा पूजा के मद्देनजर विभिन्न पंडालों का निरीक्षण। एसएसपी के निर्देशन में पुलिस जवान के साथ रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम साथ। ये थी अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।